लगता है मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा सकता, चलो जल्दी। बस हो गया, आती हूँ। ओके ओके, मैं ज्वाइन करता हूँ। हाँ वरुण, हाँ तुम्हारा हनीमून कैसा रहा? अच्छा रहा। अच्छा रहा? मैं पतला हो गया हूँ ना? हाँ। मैं और हैंडसम बनने की प्लानिंग कर रहा हूँ। कैसा है? हाँ। तुम लोग अभी तक गए क्यों नहीं? बस ये खत्म हो गई, मैं मैनेज कर लूंगा। मैं चलो जाओ। ठीक है, मैं चलती हूँ। वो कुछ ज्यादा ही केयर कर रहा है तुम्हारी। कैसी केयर? तुम आज मैं बहुत बिजी हूँ इसलिए इसे घर पे ड्रॉप नहीं कर पाऊंगा, जूम मीटिंग है ना। चलो बाय। हाँ, कोई बात नहीं। तुम ऑफिस में स्कूटी पे नहीं आ सकती क्या? अच्छा कि जब कोई फ्री में छोड़ने वाला हो तो एनर्जी की वेस्ट करना। अब चलो। बेटा। हाँ। हमेशा राजू ये काम करता है, पर आजकल हाँ। तो प्लम्बर लोग भी इंजीनियर की तरफ बिजी होते हैं। आजकल के इंजीनियर बेकार हैं, हम जैसों के पास काम बहुत है। देखो देखो वो देखो चूहा, इसने पूरा घर खराब कर दिया है। चूहेदानी भी लगाई पर ये मरा नहीं। इस जगह को देखो, पूरा खराब करके रख दिया है इसे। अरे वाह क्या बात है। क्या तुम्हारा नाम क्या है बेटा? इवान। ये कपड़ा किसका है? इसी का है। ये मेरी फ्रेंड का है। अच्छा हाँ, ईव का है, उल्टा था तो पता ही नहीं चला। तो यही उस दोस्त का घर है जहाँ वो अक्सर आती जाती रहती है। दोस्त? यही है ना? ओ, तुम कौन हो? दरअसल हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। बड़ा भाई? उसने कभी अपने भाई के बारे में नहीं बताया। अच्छा आओ बैठो ना। नहीं नहीं जा रहा हूँ मैं। माँ? हाँ हाँ बोलो। वो आपने पैसे नहीं दिए। अरे रे 300 रुपए। बेटा इनके पैसे लेके आना। हाँ अभी आई, भूल ही गई थी मैं, सॉरी। माँ हाँ? वो मुझे पसंद नहीं करती है, उसे मेरे बारे में मत बताना। किस बारे में बेटा? वो थोड़ी अजीब है, मुझे तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आती। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमेशा आती जाती रहती है ना। आपको इस बारे में नहीं बताया है? उसे बचपन में एक सदमा लगा था। वो कब क्या कर दे किसी को कुछ पता नहीं होता। वो दवा खरीदती तो है लेकिन खाती नहीं है। अगर उससे पूछता हूँ तो बड़ी बड़ी बातें करती है। भैया पैसे आ गए? हाँ हाँ मैसेज आ गया। वो मेंटल नहीं है लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए।